हेलो गाइस, आज हम लोग आलू और पटल का सब्ज़ी बनाने जा रहे हैं। इसके लिए हम लोग को चाहिए कुछ इंग्रेडिएंट्स, जैसे कि ये आपका लहसुन, लहसुन पिसा हुआ, और ये टोमेटो पिसा हुआ, ऑनियन पिसा हुआ, थोड़ा सा नमक, धनिया, कोरिएंडर, प्याज, थोड़ा सा तेज पत्ता, सूखी मिर्ची और कुछ मसाले, जैसे कि आपका लाल मिर्च हुआ पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी, कश्मीरी लाल मिर्च, ये आपका गरम मसाला पिसा हुआ, एक पैकेट आपका मैगी मसाला। ठीक है, तो चलो हम लोग इसको बनाने के लिए शुरू करते हैं। हम लोगों ने तेल पे आलू डाला हुआ है और थोड़ा सा उसको थोड़ी देर पकाना पड़ेगा, जब तक वो आलू लाल ना हो जाए। गाइस, हम लोग का आलू थोड़ा सा पक गया, थोड़ी थोड़ी लाल हो चुके। हम लोग इसको गाइस हम लोग का आलू थोड़ा पक गया है और थोड़ी थोड़ी रेडिश कलर में आ गया, थोड़ा थोड़ा लाल हो चुका है। हम लोग इसको थोड़ा निकाल के रखेंगे तेल से। अब हम लोग इसमें पटल डालेंगे। ये जो तेल है ये वो तेल है जिसमें आलू फ्राई किया हुआ था हम लोगों ने, तो हम लोग इसमें हमने फिर से पटल डाल दिया है, उसको थोड़ा फ्राई करेंगे हम लोग। ये देखिए पटल हम लोग का थोड़ा पक गया है और हम लोग इसको आलू की तरह निकाल के थोड़ी देर के लिए रखेंगे, ताकि हम लोग इसमें मसाले डाल के आगे का प्रोसेस कर सके। अभी हम लोग इसमें तेज पत्ता और सूखी मिर्ची डालेंगे, ये वही तेल है जिसमें हम लोगों ने आलू और पटल फ्राई किया था। चलो हम लोग का मसाला प्याज डाल दिए इसमें, थोड़ा सा प्याज को लाल होने के लिए हम लोग इसको थोड़ा हिलाएंगे। इसको हम लोग थोड़ा धीमी आंच पे पकाएंगे। देखिए जैसे कि हम लोगों ने गैस का नॉब को सिम में डाला हुआ है, हम लोग का प्याज थोड़ा लाल हो चुका है। अभी हम लोग इसमें पिसा हुआ जो हम लोग का प्याज है वो डालेंगे।
फ्लेम को सिम में ही रखिएगा जब तक ये प्रोसेस चलता है। और अभी हम लोग लहसुन और अदरक का जो पेस्ट है वो डालेंगे। थोड़ा सा प्रोसेस को पकाएंगे। देखिए कलर कैसे निखर के आया है। और ये हम लोग का टमाटर पिसा हुआ ये हम लोग डाल दिए इसमें और इसको थोड़ा सा हिलाएंगे। थोड़ी देर हम लोग इसको पकाएंगे। अब बारी है जो मसाले जैसे हल्दी हुआ ये डाल दिया हम लोगों ने और मिर्ची पाउडर धनिया पाउडर कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और गरम मसाला पाउडर वो डाल दिया सारे हम लोगों ने। इस मसाले को हम लोग थोड़ी देर पकाएंगे। ये देखिए मसाला थोड़ा पक गया है और इसमें से मसाले में तेल छोड़ दिया है। देखिए कितनी कलर निखर के आया है। अभी हम लोग इसमें जो फ्राई किया हुआ आलू और पटल डालेंगे। और सारे आलू और पटल को मसाले का साथ मिक्स करेंगे। नमक डालेंगे हम लोग इसमें स्वाद अनुसार। इसको हम लोग मिला देंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे। और फ्लेम को थोड़ा हाई करके इसको हम लोग अच्छी तरह से मैरिनेट करके थोड़ी देर पकाएंगे।
कितने सुंदर कलर आ गए हैं। देखिए मसाले ने तेल छोड़ना शुरू कर दिया है और कलर बहुत निखर के आए हैं। और हम लोग अभी एक पतीले पे थोड़ा सा पानी चढ़ाएंगे, इसको गरम करके हम लोग आलू पटल कढ़ाई में थोड़ा गरम पानी डालेंगे ताकि वो जल्दी से पक जाए। गाइस हम लोग का पानी गरम हो चुका है। ये गर्म पानी हम लोग सब्जी में डालेंगे। गाइस हम लोग इस कढ़ी पे जैसे कि मैंने बताया था कि थोड़ा सा मैगी मसाला डालेंगे ताकि स्वाद को थोड़ा एनहांस करने के लिए, स्वाद बढ़ाने के लिए। और थोड़ा देर हम लोग इसको पकाएंगे ताकि ग्रेवी थोड़ा सा, ग्रेवी जो है वो थोड़ा सूख जाए और देखने में अच्छा लगे। गाइस हम लोग थोड़ा इसमें कोरिएंडर डाल देते हैं। करी हम लोग को रेडी हो चुका है सर्व करने के लिए। ये देखिए गाइस हम लोग का आलू पटल मसाला करी रेडी हो चुका है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है इसका कलर। आप लोग इसको रोटी के साथ, चावल के साथ या फिर जैसे कि मैंने दिखाया आपको पूरी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। हैप्पी होली गाइस, हैव ए कलरफुल फेस्टिवल।